आज बात करेंगे हम लोग कैपेसिटर पैनल का, जो कि कॉन्टेक्टर उसका चिपका हुआ है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं उसका बात करेंगे। तो ये हमारा रहा पैनल, और इसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारा कैपेसिटर पैनल है उसका कॉन्टेक्टर चिपक चुका है, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं कॉन्टेक्टर को, आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं कैसे उसको रिपेयर करता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना टूल्स पकड़ लेते हैं, टूल्स ले लेते हैं हम। तो मीटर भी है, मीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम चलते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा कैपेसिटर पैनल है, तो 450 kVAr ऑटो पावर फैक्टर करंट है। तो आप इसको, ये जो कंडक्टर ये बंद रहते समय ऑन स्टेज जो ऑन है kVAr 50 kVAr का, जो देख आप देख सकते हैं 50 kVAr है, वो बंद नहीं, चालू नहीं रहना चाहिए। और एक्चुअली ये ऑटो में है, अभी ये ऑटो में है, तो इसको हम लोग अभी पूरा हमारा पैनल का जो लोड है वो पूरा बंद है, फिर भी ये स्टेज ऑन है। तो इसका मतलब जो कॉन्टेक्टर का क्वाइल है वो आपस में चिपक कर रखा हुआ है, वो बंद होने के बाद छोड़ नहीं रहा है, तो वो हम लोग ठीक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पैनल को बंद करके ये काम करें। तो हम लोग इसको पहले बंद कर लेते हैं, अब बंद करने के बाद ही कॉन्टेक्टर को हम लोग चेक करेंगे क्या हुआ है उसमें। तो ये अपना पावर सप्लाई जो MMCB है, इसको हम लोग बंद करने वाले हैं। तो बंद कर लिए, और इसको जो पावर सर्किट वाला MCB वो बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद फिर हम आप कॉन्टेक्टर खोल कर देखते हैं, ये हमारा जो 50 kVAr का था वो चिपका हुआ था, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो हमारा अभी भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ये देखिए आप कॉन्टेक्टर ये है, और ये कॉन्टेक्टर में छोटा सा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपको पिन दिख रहा होगा जो कि नीला कलर का है, ये आपस में अंदर पुश होकर नहीं रहना चाहिए, ये बाहर बंद होते समय बाहर रहना चाहिए। तो मैं देख लेता सबका है कि नहीं, तो जो चिपका होगा कॉन्टेक्टर उसका अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका दिख नहीं रहा आपको, तो दिख नहीं रहा इसका मतलब ये चिपका हुआ कॉन्टेक्टर, ये अभी चिपक कर है कॉन्टेक्टर, तो इसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। और ये भी कॉन्टेक्टर जो है चिपका हुआ है, तो हमारे पास प्रॉब्लम दो कॉन्टेक्टर में, एक 25 MO 25 का है, MOC 25 का, एक 50 का, ये दोनों का हम लोग आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे रिपेयर होता है। अगर ख़राब हुआ होगा तो इसका किट डालेंगे, नहीं तो रिप्लेसमेंट करेंगे नया में। और इसको देखते हैं, खोलते हैं, वीडियो बने रहिए। तो मैं सबसे पहले इसको खोलता हूँ, सप्लाई तो बंद ही किया हूँ, फिर भी MCB से अपना सप्लाई बंद कर लीजिएगा, सेफ्टी चेक करने के बाद ही हाथ लगाइएगा आप लोग। हेलो गाइस, तो आप देखिएगा किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में जो ये अपना यमुना कॉन्ट्रैक्टर है, एमओ कंटेक्टर, इसमें एलंकी का भी इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं 5 नंबर का एलंकी मैं लिया हूँ, और एलंकी से कोई कोई खुलता है, कोई कोई स्क्रू ड्राइवर से भी खुलता है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ पहले। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आप देखिए कि मैं कैसे इसको रिपेयर करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको फटाक से खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको खोल कर निकाल लिया हूँ, और मैं इसको खोल कर आपको सामने रिपेयर करके दिखाने वाला। तो उससे पहले मैं ये भी छोटा वाला खोल लेता हूँ, ताकि जल्दी दोनों ही रिपेयर हो जाएगा, तो मैं इसको भी खोल कर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये हमारा दोनों कॉन्टेक्टर जो कि चिपका हुआ है, तो हम लोग इसको सही करेंगे और देखेंगे ख़राब हो गया है या सही। अगर ख़राब हो तो हम लोग, ये तो जला हुआ दिख रहा है आप देख सकते हैं, तो हम लोग इसको रिप्लेसमेंट ही करने वाले हैं। देखते हैं फिर भी खोल कर हम लोग, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको रिप्लेस कर लेंगे। और ये ज़रा कंडीशन में अच्छा दिख रहा है, फिर भी यहाँ स्क्रैच है, ये लाइनिंग पड़ा हुआ, तो हम लोग देखते हैं इसको ब्लैक, आप देख सकते हैं जला हुआ जैसे दिख रहा था। हम लोग इसको खोलने का सबसे आसान तरीका, आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइनिंग पड़ा रहता है, आप इसको दोनों से प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ खुल जाता है, वैसे छोटा वाला भी रहता है। आप यहाँ यहाँ एक बटन दिया रहता है, आप इसको लॉक डालेंगे ना तो ये खुल जाता है, आप देख सकते हैं थोड़ा हार्ड हो गया है, इसको प्रेस, ये प्रेस करने के बाद ऐसे निकलता है, आप देख सकते हैं ये ऐसे ये लॉक रहता है, साइड साइड में लॉक अपना लगा रहता है। तो इसका कॉइल तो चेक करेंगे, इस कॉइल को भी चेक करने को आपको बताऊंगा मैं। तो ये कॉइल को इधर रखते हैं, और इसका जो चिपकने का कारण होता है ये मैग्नेट जो रहता है ना, ये और ये अच्छे से इसमें आपस में चिपक जाता है, ये सफाई इसमें डस्ट जाने की वजह से ये चिपक जाता है। तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से ब्रश से मारेंगे, या आप पेपर, सीरीज पेपर जिसको बोलते हैं, उससे आप घस कर इसको दोनों तरफ से साफ़ करके फिर कॉइल को लगाएंगे, ये रेडी हो जाएगा।
दोस्तों इस कॉन्टेक्टर को हम खुलने बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ये ऐसे दिखाता हूँ मैं, यहाँ प्रेस करेंगे तो ये ऊपर का कैप निकल जाता है, छोटा छोटा कॉन्टेक्टर में क्या दिया रहता है, यहाँ लॉक दिया रहता है, यहाँ प्रेस करने के बाद ये प्रेस करने के बाद इसको लॉक निकल जाता है, जो कि ये लॉक लगा रहता है यहाँ, इसमें लगा रहता है, तो इसको तो हम लोग खोल दिए, तो हम लोग इसको भी खोलना सीखेंगे। तो यहाँ आप स्क्रू ड्राइवर ऐसे डालकर इसको ज़रा ऐसे ऊपर करेंगे तो बाहर निकल जाता है, देख सकते हैं ये बाहर निकल गया, तो मैं दोनों तरफ से खोल दिया हूँ। तो अब इसको खोलने के लिए यहाँ स्क्रू दिया है, तो आप स्क्रू को भी खोलेंगे ना, तो हम इसको खोल चुके हैं, तो आप ऐसे इसको ओपन करेंगे, आपको दिखेगा इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस कॉइल को निकालता हूँ, स्प्रिंग को, और इसको देखता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा ही डस्ट गया है, आप देख सकते हैं कैसे ख़राब हो गया है। तो इस पूरे कॉन्टेक्टर में ये जो यहाँ आता है ना, ये जो पट्टी है यहाँ अपना डस्ट बैठ जाता है या इसके ऊपर लेयर बन जाता है, तो ये अच्छे से चिपक जाता है, छोड़ता नहीं। तो इसको सबसे पहले आप इसको अच्छे से सफाई कर लीजिए, इस कॉइल को भी साफ कर लीजिएगा, और इसमें ये दोनों आपस में वो वाला ये दोनों चिपक जाता है, तो इसको भी अच्छे से एकदम आप घस लीजिएगा। आप देखिएगा तो आप खोलना समझ गए होंगे। तो इसको मैं सफाई कर लेता हूँ, और सफाई करके फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ वर्क कर रहा है कि नहीं इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये हम इसको सफाई कर लिए हैं, देख सकते हैं आप, ये पूरा साफ़ हो चुका है, चमक रहा है, लाइट आ रहा है। तो इस आप बिल्कुल ये जो पेपर आता है इस पेपर से घसने का, उसके बाद इसको भी आप देख सकते हैं एकदम सफाई हो चुका है। तो मल्टीमीटर आप ले लीजिएगा कंटिन्यूटी पर, इसको सेट करने के बाद कॉइल को चेक करेंगे, तो हम कॉइल को चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कॉइल में कुछ रीडिंग दिखाना चाहिए जो कि 71.7 दिखा रहा है, इसके मतलब कॉइल हमारा सही है। अगर बीप बज रहा है कॉइल में तो कॉइल ख़राब हो गया, जो K1 K2 A1 A2 ऐसे दिखाता है, तो हमारा कॉइल अभी सही है। तो मैं इसको फिट करता हूँ, हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये रेडी हो चुका है, हम इसको लगाने वाले हैं। तो आप इंस्टॉल करते हुए देखिए कि मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको, तो ये लॉक रहता है, लॉक को बाहर लेने का सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे करके लॉक बाहर ले लिए तो लॉक में लग जाता है। तो मैं इसको डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इस लॉक को निकाल कर लगा दिया, फिर ये लॉक आता है ताकि कॉन्टेक्टर जब चालू हो तो इधर उधर घस के ना स्लिप ना हो, इसके लिए मैं इसको भी जो K1 K2 है वो सबसे पहले कॉइल का दो वायर पीछे साइड में लगा लेने का, उसके बाद ये मेन अपना वायर है, इसको भी अच्छी तरह से लगाने का, अरे लूज नहीं रहना चाहिए थोड़ा भी, तो मैं इसको फिर से अलंकी से टाइट कर देता हूँ। जो अपना अलंकी है उससे पूरा अच्छे से तरीके से उसको पूरा फुल टाइट करने का, देख सकते हैं मैं पूरा फुल टाइट कर दिया, और नीचे का वायर भी आपको पूरा फुल टाइट अच्छे से कर देना है। जरा ये काला हुआ है, इसको मैं पेपर मार देता हूँ, देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर हमारा रेडी हो गया है, MCB को भी हम ऑन कर दिया है, और हमारा जो कैपेसिटर पैनल है वो रेडी भी हुआ है। आप देख सकते हैं ये अभी हमारा प्लांट चालू है, जो कि अपना PF9788 है अभी, तो जो कि 99 अच्छा माना जाता है या +1 ये भी है, तो अभी हमारा PF एकदम बेस्ट है। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि मेरा जो भी कॉन्टेक्टर इलेक्ट्रिक चीज़ से जुड़े हुए चीज़ है और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।